बताइए आलोक जी। नमस्कार, मैं भोपाल और मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से आपको प्रणाम करता हूं। और आज देश का मेरी तरफ से भी जनता जनार्दन को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आज देश का एक सबसे बड़ा विषय जो है वो आजीविका एक विषय है, और स्वराज अभियान के तहत आपने इसको लिया है, तो मैं आपको सच में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन अभी भी आजीविका विषय पर लोगों की समझ अपर्याप्त है, तो मेरा ये मानना है कि क्या कौशल विकास के माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है? देखिए आलोक जी, आपने सही बात बताई। जैसे जैसे वक्त बदलता है, काम करने के तौर तरीके भी बदल जाते हैं। मुझे बराबर याद है, मैं जब गुजरात में सीएम था तो मैं भावनगर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे गांव में पानी के कार्यक्रम के लिए गया था। तो जब गांव की गलियों से गुजर करते हुए मुझे उस कार्यक्रम में पहुंचना था, तो मैं हैरान था। छोटा सा गांव, शायद उसकी जनसंख्या 800,000 होगी, लेकिन मैंने एक बड़ा बोर्ड देखा ब्यूटी पार्लर का, तो मैं हैरान था कि 800,000 की बस्ती के गांव में ब्यूटी पार्लर है और दो बच्चियां वहां से रोजी रोटी कमा रही थी। हमें मालूम है कि पहले हम गांव में जाते थे तो कहीं कोई लोहार का भट्टी चल रही है, वो अपना बेचारा फावड़ा और कुदाली लगा के वो पिटाई करते हैं, उसके में कुछ बना रहा हो औजार। आज गांव में जाते हैं तो मोबाइल फोन रिपेयरिंग वाली दुकान दिखाई देती है। यानी रोजगार के रूप रंग बदलते चले जा रहे हैं। आपको ट्रैक्टर, पहले साइकिल पंक्चर कराने के लिए कहीं जाना पड़ता था, आज ट्रैक्टर रिपेयरिंग करने वाला गांव में नजर आने लगा है। तो लोगों में कौशल्य होता है, हमारे देश की विशेषता है कि लोगों में कौशल्य होता है। तो पूरी तरह आज इन दिनों बदलाव आया है, और मैं समझता हूं कि हमने कौशल विकास पर बल देना चाहिए। बदलते समय हुए, और कुछ तो कौशल विकास के काम 3 हफ्ते के होते हैं, कोई 4 हफ्ते के होते हैं, कोई 2 हफ्ते के होते हैं। आप हैरान होंगे कैसे कैसे काम होते हैं। हमारे यहां देखिए समूह भोजन होता है, इतना वेस्टेज होता है। बैठ करके खाना खाते हैं तो भी थाली में वेस्टेज करते हैं, और अब हम भी खड़े होकर के संगत भोजन करते हैं, पंगत भोजन नहीं करते हैं। तो और भीड़ होगी तो ऐसा सोचकर इतना भर देते हैं थाली में, फिर 20% 30% खाते हैं, बाकी फेंक देते हैं। मैंने देखा कि इन महिलाओं ने एक संगठन बनाया, वो सिर्फ परोसने के लिए जाती है। परोसने का ही काम करने से उन्होंने 50% से ज्यादा वेस्टेज था वो अपने आप बच गया। जो लोग मेहमान आते हैं उनको बहुत अच्छी तरह खाना परोसा जाता है। और इतना ही नहीं, ये गरीब महिलाएं जब शाम को जाती हैं तो जिसके घर में अवसर होता है वो उनको भी टिफिन भर के दे देता है, तो उनके घर में बच्चों को भी न्यूट्रिशन के दृष्टि से फायदा होता है। चीजें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। और मुझे अच्छा लगा भोपाल से आपने इस आजीविका के विषय को लेकर के मुझे पूछा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इन चीजों को आगे बढ़ाइए, बहुत लाभ होगा, बहुत फायदा होगा। और मैंने देखा है कि कोई व्यक्ति मुफ्त का नहीं चाहता, हर कोई काम चाहता है, उसको अवसर देना चाहिए। और ये जो है कि आंकड़ों की खेल चलते हैं, उनको चलने दीजिए, वो अपनी राजनीति करते रहेंगे। हमें तो सामान्य मानवी को एम्पावर करना है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।